हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं ये देखिए बहुत ही परफेक्ट फिटिंग वाली एकदम सिंपल से ब्रा, फ्रंट वन हुक वाले। ये देखिए, ये रेडीमेड का हुक आता है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसकी कटिंग और सिलाई बहुत ही आसान है। बेक से आपका जो है रबर बैंड होगा बिल्कुल से और स्ट्रिप्स होंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कप्स की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलिए इसकी कटिंग और सिलाई शुरू करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, ये फ्रंट हुक बटन वाली इस तरह से बहुत ही सिंपल सी ब्रा, इसे आप अपने घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस सिंपल सी ब्रा की कटिंग और सिलाई शुरू करते हैं एकदम आसान और सरल तरीके से। बहुत अच्छे कप्स बनेंगे और बहुत ही सिंपल सिलाई है और बहुत ही सिंपल कटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं ये दो, मैंने कप्स के लिए दो पार्ट्स लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है, नॉर्मल कॉटन का फैब्रिक भी आप ले सकते हो। ये हमें लेना है 9x9 का, तो ये आप देख सकते हो, ये है 9x9 का स्क्वायर में, इस तरफ भी 9 और इस तरफ भी 9। इसके बाद मैंने लिया ये बैक की बेल्ट पट्टी, जो बैक साइड में हम बेल्ट लगाएंगे उसके लिए ये मैंने लिया है। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस हिसाब से इसका मेजरमेंट है। ये है बेल्ट पट्टी है 22 की, देखिए 11 इंच में, ये डबल में है तो ये हो गए 22 की। और इसके अंदर हम डालेंगे ये इलास्टिक, ये इलास्टिक लिया है मैंने 17 इंच का, यानी 17 इंच का, क्योंकि हमारी जो रबर बैंड साइज है वो है 34 के लिए आपको चाहिएगा 17 इंच का जो है वो रबर बैंड चाहिएगा। तो ये आपको लेना है रबर बैंड 17 इंच का, ये है रबर बैंड 17 इंच का और ये है 22 का। अब लिए मैंने दो स्ट्रिप्स, ये मैंने तैयार की हुई है और स्ट्रिप्स की भी मैं आपको बता देती हूँ कि लेंथ कितनी तैयार करनी है। तो स्ट्रिप्स मैंने तैयार की यहाँ पे 13 इंच की, ये आप देख सकते हो, ये है स्ट्रिप्स हमारी 13 इंच की। तो दो 13 इंच की स्ट्रिप्स हैं, एक बेल्ट है पीछे का और दो कप्स के लिए है, एकदम इजी से बताऊंगी। और एक मैं आपको मेन चीज दिखा देती हूँ, यहाँ पे हम पीछे हुक लगाएंगे ना ही आगे, सिर्फ ये जो हुक पट्टी है, हुक है वो ही हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी से हम हुक जो है वो तैयार करेंगे, आगे इसे ओपन रहेगी और ये आगे के लिए हुक होगा। तो इस तरह का हुक आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाता है, 1 रुपए का आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एक साइड से ऑफ होता है और यहां से ऊपर से आप देख सकते हो ये ओपन होता है, तो इस तरह के हुक का आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे कप्स का पार्ट्स है इसको हमें इस तरह से करना है, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूं। ये हो गया ट्रायंगुलर शेप और इसके बाद कप्स है 36 साइज के लिए, तो यहाँ पे आपको 3.5 इंच पे एक पॉइंट लगाना होगा। ये हो गया 3.5 इंच का पॉइंट, इसको हमें इस तरह से सीधा करना है। ये हो गई सीधी लाइन, देखिए थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये हो गई है देखिए एकदम सीधी। अब आपको इसको सीधा नहीं स्टिच करना है बल्कि इसको इस तरह से हल्की सी यहाँ पे गोलाई देनी है ताकि चोंच नहीं आए। इस तरह से अगर हम, अब आप इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर हम गोलाई से इसकी सिलाई करेंगे तो चोंच बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हमारे जो दोनों कप्स है इन पे हम एक ये वाली सिलाई निकाल लेते हैं, यहां से लेकर के इस तरह गोलाई में करते हुए यहां तक एक एक सिलाई निकाल लेते हैं। लेने के बाद आपका कप्स बिल्कुल से रेडी हो जाएगा। इससे पहले हम इसको कट कर देते हैं, बीच के पार्ट्स को आपको इस तरह से कट कर देना है दोनों को और इस तरह से ब्रा को, कप्स को ओपन कर लेना है। कप्स ओपन हो गए, इसी तरह से इसको ओपन करेंगे, फिर साइड्स को इस तरह से आपको नीचे पलट देना है, नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर देना है, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी, दोनों साइड में फोल्ड कर देते हैं इसको भी इसको भी। दोनों कप्स मैंने रेडी कर लिए हैं फोल्डिंग करके, अब हमें इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो देखिए जैसे ये कप लेंगे और आप नीचे से इसको इतना फोल्ड कर देंगे, जैसे ये साइड्स फोल्ड किए वैसे ही ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय आपको स्टार्ट में इस तरफ में जैसे ऐसे फोल्ड किया, इसके अंदर एक स्ट्रिप लेनी है
ये है 1.5 इंच की, इसको आपको फोल्ड करना है और इसके यहाँ पे ऐसे लगा देना है। ये लीजिए, यहाँ पे इसको एक को ऐसे लगाना है और एक के अंदर आपको इस तरह से हुक डाल लेना है। ये देखिए, ये हुक मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम फोल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। फिर इसको आप ऐसे देखिए इस तरह से, इस तरह से आपकी ये ब्रा हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया नीचे से और ये हुक यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अब आप इसको आसानी से इस तरह से देखिए पहन सकते हैं। ये आपके कप्स दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इसके पीछे के लिए बेल्ट ये तैयार करते हैं। बेल्ट को आपको रबर की साइज का एक सिलाई लगाना है इस तरह से उल्टा करके, और इलास्टिक की साइज से ऊपर की साइड में एक सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने रबर बैंड पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो सुई की सहायता से जैसे हम डोरी पलटते हैं वैसे इसको पलट करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हमें इसके अंदर रबर इंसर्ट करना है, तो वैसे ही सुई की सहायता से आपको रबर इसके अंदर डाल लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने रबर को इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है और अब रबर की दोनों साइड में यानी जो इलास्टिक है उसको दोनों साइड से आपको पक्का कर देना है। इलास्टिक के एक साइड को हम इस तरफ अटैच करेंगे, तो ये मैंने इसको स्टिच कर दिया है, और दूसरी साइड को हम इस तरफ स्टिच कर देंगे। साइड को आपको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है हल्का सा, चाहे तो आप, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको नॉर्मल ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे बिल्कुल बराबर से दोनों को, बेल्ट को और अपनी कप्स को रखते हुए और सिलाई लगा लें, तो आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत बनती है और पहनी हुई बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और आप इसे इजीली से लॉक कर सकते हो। ये आगे से लॉक होती है और बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आती है। अब हम इसके ऊपर वाली स्ट्रिप्स लगाते हैं। तो स्ट्रिप मैंने 13 इंच की तैयार की है। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हो ताकि कम या ज़्यादा आप कर सको। आपको जितनी स्ट्रिप्स की ज़रूरत हो, अगर ज़्यादा बड़ी हो तो आप उसे कट करके छोटा भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 13 या 14 इंच की बना करके उसे लगा लें। तो देखिए हमारी ब्रा जो है कम्प्लीटली तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करने में कंजूसी करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको कमेंट ज़रूर करना चाहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप ये ब्रा ज़रूर ट्राई करें, आपकी बहुत ही बढ़िया बनेंगी। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बहुत ही ईजी से और सिंपल तरीके से बनने वाली हम वीडियो आप तक पहुँचाते रहेंगे। Thanks for watching. Thank you.